हरे कृष्णा व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल शिव शक्ति डिवाइन टैरो में। और आज हम देखेंगे कि जो मेरे व्यूअर्स सेजिटेरियस हैं, उनके जो पर्सन है वो 15 से लेकर 30 मार्च के बीच में उनके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, उनकी इंटेंशंस क्या रहने वाले हैं उनको लेकर। ठीक है व्यूअर्स, ये आप अपने सन साइन या मून साइन से देख सकते हो या फिर किसी भी राशि से जो आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है, अपनी राइजिंग साइन से भी देख सकते हो, लेकिन सन साइन या मून साइन से जरूर देखना, मैं यही बोलूंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल। ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं कि हमारे जो सेजिटेरियस हैं उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनके लिए क्या फील करने वाले हैं 15 से लेकर 30th के बीच में। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि सेजिटेरियस राशि वालों के जो पार्टनर्स हैं वो उनके लिए क्या फील करने वाले हैं 15 से लेकर 30th ऑफ मार्च के बीच में। ओके, वी हैव वन कार्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, टेम्परेंस, अंडरनीथ वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करने वाले हैं। ठीक है, मुझे थर्ड पार्टी भी यहाँ दिख रही है। पहली बात ये कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो दिल टूटा है यहाँ पे, या उनकी गलतियों की वजह से या आपकी गलतियों की वजह से जो भी चीज़ें रही हैं, लेकिन उनका दिल बहुत दुखा है। अगर वो थर्ड पार्टी में है और आपके साथ नहीं है तो वहाँ से उनका दिल दुख चुका है। ठीक है व्यूअर्स, तो आपकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करने वाले हैं वो। ठीक है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है और जिस भी वजह से दिल टूटा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे आप हो, जो भी हो, लेकिन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टक फील करने वाले हैं। ऐसा होता है ना कि यार मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो यही लड़का या यही लड़की क्यों बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा क्या है कि ये मेरे दिमाग में बार बार आ रही है या आ रहा है। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, अगर आपसे भी लड़ाई हुई है तब भी आप ही दिमाग में रहने वाले हो, थर्ड पार्टी फैमिली हो या फिर कोई और बंदा या बंदी हो उनके लाइफ में, या मैरिड हो या कुछ भी, कोई भी सिचुएशन आपका जैसा भी है, जैसा रेजोनेट करे वैसा लेना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आप बैठे हो तो उनका ख्याल अचानक से आपके दिमाग में आ जाएगा, या कोई ऐसा सॉन्ग बज जाएगा, या आपके दिमाग में कोई ऐसा सॉन्ग आ जाएगा जो आप दोनों का सॉन्ग था। ठीक है, क्योंकि एंजल्स भी उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए अभी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उनकी इंटेंशंस है, ये फीलिंग्स है, ये एनर्जी है। ठीक है, और ये एक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मिनी रीडिंग्स है जो मैं अपने चैनल पे हर मंथली अब डालूंगी हर साइन के लिए। ये देखिए, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का। इसका मतलब है उन्होंने सरेंडर कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इन 15 डेज में ना, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। अगर आप ऐसा देखो कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं पे स्टेटस लगा रहे हैं नेचर से जुड़ा हुआ, या भगवान जी से जुड़ा हुआ, या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। जो भी उनकी सिचुएशन है, उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कहीं ना कहीं वो अब सोच रहे हैं ना भगवान से कनेक्ट करने का, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि बार बार यही लड़की या यही लड़का जो है मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है बार बार। ठीक है, तो इसी एनर्जी में रहने वाले हैं वो, और आपको भी साइंस मिलेंगे। ठीक है, वी हैव टू कार्ड्स। देखिए, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, 24 घंटा आप ही चल रहे हो उनके दिमाग में। ठीक है, और कहीं ना कहीं सेवन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिख रहा है कि वो जो है अब आपके लिए स्टैंड लेने का भी सोच रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में अटक गए हैं, आप ही लोग का ब्रेकअप चल रहा है तो फिर से आपसे बात करने का सोचेंगे, जिस भी सिचुएशन में आप हो, अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक करने का सोचेंगे, अगर वो थर्ड पार्टी में है तो उनको छोड़कर या उनसे लड़ाई करेंगे आपको लेकर, ऐसा कुछ उनके दिमाग में अभी चल रहा है। एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे आया है देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है जो जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं। तो ये जो 15 से लेकर 30 मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अगर आपको कोई उनकी वाइब फील होती है अपनी तरफ, कभी आपको लगता है ऐसा कि अचानक से उनका ख्याल दिमाग में आ गया या कुछ ऐसा, तो आप ज़रूर अच्छी उनको वाइब्रेशंस भेजना। ठीक है, हमेशा उनके लिए प्रे करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ मुझे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ झुकाव फिर से बढ़ रहा है तो आपको भगवान जी से प्रे ज़रूर करना चाहिए। मैनिफेस्ट करते रहिए, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में वो कुछ एक्शन भी ले लें। वैसे नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ थोड़ा सा भी रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बन जाएं शिव शक्ति डिवाइन टैरो फैमिली का हिस्सा।
अभी के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शक्ति, बाय बाय।